ਸ਼ਾਗਣ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत फजल करम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आया हूँ शेखुपुरा के एक गांव बड़ा मित सिंह में, और यहाँ पर मेरे साथ हैं भाई नज़ीर, और भाई नज़ीर आपको बताएंगे बड़ा मित सिंह के बारे में। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इनसे इस गाँव के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। सर जी थोड़ा सा दसो जरा अपने पिंड के बारे में। बारे जी तुम हम की पुछना पिंड जैसे इंडिया पाकिस्तान के दौर का पिंड है, जो इंडिया पाकिस्तान बने उस टाइम का पिंड है, सिखा के घर होंगे पहले इतने। उस तो बाद मित सिंह सिख का ना ही हूँ जिला गुजरात बन गया है, जिला शेखुपुरा तहसील थाना माना वाला है। सारे असि कराची तो आए ने जी, ए देखो सारे कजन सारे, हमारे बाप दादा का पिंड है, ये हमारे बाप दादा का पिंड है, ये हमारे माशाल्लाह जितने भी हैं ये नवासे पोते पोतियां और उनके आगे माशाल्लाह नवासे नवासियां, ये हमारे बाप दादाओं का गांव है, पिंड है, इसे कहते हैं मित सिंह अबाई गांव, मित सिंह का भाड़ा कहते हैं। और ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, इंटरनेट बिजली हर चीज अवेलेबल है यहाँ पे, और एक बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये कि यहाँ पे जो है ना पुरानी चीजें आपको हर जितनी भी कदीम चीजें वो सब मिलेंगी आपको, आप इसका जायजा लें इंशाल्लाह, भी हम आपको दिखाते हैं इसको और आपको देख के दिली खुशी होगी। चले जी चलते हैं आगे वीडियो की तरफ और दिखाते हैं विलेज की खूबसूरती आपको। ये देखिए जी, छोटे छोटे से बकरी के बच्चे, खूबसूरत से बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, ये सब गाँव की खूबसूरती है। और आगे चल के आपको और भी चीजें दिखाएंगे, आइए चलते हैं आगे चलते हैं। चलो भाई चलो चलो भाईजान, ये देखें जी फुल एंजॉय हो रहा है भैंसे वैसे, और ये अभी हम बाड़े में आ गए, एक ये आ गई भैंस, ओए 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 ओए, ये देख रहे हैं आप ये सारा बाड़ा है यहाँ पर, और खूबसूरत मनाजिर गांव के आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं, बहुत मजा आ रहा है गांव में, और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए हमारा बच्चा जो है ये गांव कैसे बैठा हुआ था भैंस के ऊपर तो चले चलते हैं आगे की तरफ। गाँव में हैंडपंप से पानी निकालने का मजा ही कुछ और है, तो आइए चलते हैं ट्राई करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा ये, हाँ ठंडा ठंडा बेहतरीन सा पानी, बहुत मजा आ रहा है जी, जबरदस्त। और आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे कितना खूबसूरत सा समय है बिल्कुल गांव का, और अंदर चलते हैं भाई। ये फटे फटे कुतरे जा रहे हैं, ये देखें आप, और ये फटे कुतरे जा रहे हैं, आए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। ये मशीन लगी हुई है, ये सारा भैंसों के लिए जो है खाना तैयार किया जा रहा है, ये कतरन से सारा कटिंग हो गई, और आगे चलते हैं आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो व्यूअर्स, बच्चों को मैं लेके आ गया हूँ गाय के बाड़े में, और यहाँ भैंसे हैं, सॉरी गाय नहीं है भैंसे हैं, तो भैंसे वगैरह सारी आपको दिखाते हैं। हाँ बच्चों ये देखें जी, ये सब भैंसे ऐसे खड़ी हुई हैं, और ये हमसे अभी डर रही हैं कि वो मैंने पैंचेट पहनी हुई है, पैंचेट वाले लोगों से जो है ये अक्सर डरती हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक डोंकी का बच्चा भी खड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये गाय का छोटा सा बच्चा है खूबसूरत सा, और अभी इनके मैं पास नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ एक हलचल मच जाएगी जरा। ये देखें ये मुझे कैसे देख रही है, ये आप देख सकते हैं, ये साथ ही भूरी भैंस भी खड़ी है। थोड़ा सा मैं इसको अपनी जबान में भी ब्रीफ करता हुआ जाता हूँ, एक पूरी मजबी नाल खड़ी है, एक काला छोटा भी खड़ा है बैठे है, एक छोटा सा बच्चा है गाँव का, आगे देख रहे हैं इत क्या है जी, इत बतख बैठी हुई है,
देखो जी ए बादा बैठी हुई, अंडिया से बैठी हुई, ठीक हो गया जी। और इस पास आने जी, इधर इन्होंने कबूतर रखे ने, ए देखो जी कबूतर, खूबसूरत खूबसूरत से कबूतर है। और ये मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पट्ठे वट्ठे गुतरे जा रहे हैं। ये है जी पंजाब का कल्चर, ये देखिए ये बकरा बकरी आ गए, बच्चे तो यहाँ पर आके बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बेटा, ये गांव की लाइफ जो नेचुरल लाइफ है, इसमें आपको फ्रेश एयर मिलता है, फ्रेश पानी मिलता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। और आप बताइए गांव के बारे में, ये बताइए ये है जी गांव लागर, उसके साथ है बगी बुर्जी और डेरा गुजरा। डेरा गुजरा किधर है? हाँ जी ये सामने डेरा गुजरा है जी। अच्छा। ये डेरा है शबाज खान का डेरा है जी। अच्छा। हाँ जी मिक्सिंग दबाड़ा के यही जो डेरा गुजरा वाला ना, यही मिक्सिंग का डेरा है। अच्छा, इसका ही नाम है मिक्सिंग का डेरा। तो डेरा गुजरा, ये डेरा जहाँ आप खड़े हुए हैं ये है शबाज खान का डेरा जी। अच्छा, हाँ जी आगे चल रहे जी, आगे देख रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं। बड़ा कुछ लग गया है, गन्नों में लगी गोभी, गोभी वगैरह जी, ये अपना प्याज है। हाँ जी देखो जी पानी कटिया जा रहा है, भाई और लगे ने पानी कट रहे हैं, जबरदस्त बेहतरीन जी। गाँव में बहुत मजा है, खूबसूरत दूर दूर से अजानों की आवाजें आ रही हैं। इधर सब्जी वगैरह भी लगी है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा भी आने के लिए। ये देखिए ये देखें जी बंद गोभी, बंद गोभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये बड़ी मिकदार में यहाँ पर बंद गोभी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें जी खुदा की कुदरत, सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह, और बहुत बड़ी फसल है। अभी बता ये रहे हैं कि काफ़ी सारी जो है गोभी जा चुकी है, ये थोड़ी सी रह गई है, नहीं तो ये पूरा भरा हुआ था। और चारों तरफ आप जहाँ भी देखेंगे हरियाली हरियाली आपको दिखेगी, बड़े बड़े खेत हैं, ये आगे गन्ने के भी खेत आ रहे हैं, ये भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये बच्चे खड़े हुए हैं जी, दूर दूर से अजानों की आवाजें आ रही हैं, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, बहुत मजा आ रहा है गांव में, और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं भाई। फाइनली हम लोग गन्ने के खेत में आ गए हैं, और अब यहाँ देखते हैं हमें कोई गन्ना मिलता है तो हम गन्ना निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जी गन्ने तो हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं आगे देखते हैं, यहाँ से सब खाली हो गए, सब ले गए। ये गन्ने के खेत में हम जाते हैं, ये सारा गन्ने का खेत है, और देखते हैं मैं अगर कोई गन्ना समझ में आता है तो गन्ना निकाल के लाता हूँ मैं। भाई फाइनली मैंने एक गन्ना निकाल लिया है जैसे तैसे करके, तो अब इसको खाएंगे और चलते हैं आगे चलते हैं, टाइम मगरिब का होने वाला है तो टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आगे चल के पहले शूट करते हैं दिखाते हैं आपको। ये कजन का भट्टा है लाल ईटों का,
ये मैं आपको इसका विजिट कराता हूँ। ये ऊपर मेरा कजन खड़ा हुआ है चौधरी अब्रार। आइए जी भट्टे की सैर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये लाल ईंटें कैसे बनाई जाती हैं। ये बिल्कुल ये खेतों के सामने है, ये आप देख सकते हैं। और अब ऊपर चलते हैं, ऊपर किस तरीके से बन रहा है, क्या काम हो रहा है, सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं अपने कजन के गांव में आया हूँ। ये रायवंड के साथ एक गांव है कमास, और मेरे साथ है अब्रार चौधरी। ये यहाँ के बहुत जिम्मेदार शख्सियत हैं, और ये इनका जो है लाल ईंटों का पट्टा है, ये इसकी आज हम आपको सैर कराएंगे और अब्रार भाई से बात भी करेंगे कि यहाँ पर ये किस तरीके से ईंटें बनती हैं, क्या उसका तरीकेकार है, और सारी चीज़ों का विजिट कराएंगे। तो पहले थोड़ा सा अब्रार भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? तो साहब खरीद है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब्रार भाई थोड़ा दसो ना साडे व्यूअर्स नूं कि पट्टा तुसीं कद लाया ते कद दा तुसीं काम शुरू करिया? तकरीबन एक साल हो गया जी पट्टा लाए नूं, ते काम अपना उदों दा स्टार्ट है, एक महीने बाद तो अपना स्टार्ट हो गया सी काम। जबरदस्त माशाल्लाह। ते दूसरी गल है कि अपना लाल इट्टा दा पट्टा नहीं, ये इट्टा जदों पकदियां ने चिट्टियां हो जांदियां ने, वाइट हो जांदियां। अच्छा अच्छा, सही सही सही। जिहड़ी इट्ट लाल हो जांदी है ओह खराब हो जांदी। ठीक हो गया। अच्छा ये लाल इट्टा दा नहीं है बेसिकली, की तरीकेकार है इहदा, थोड़ा दसो ना सारे व्यूअर्स नूं। तरीकेकार इह है जी, पहलां बाहर पेड़ां दे विच इहदियां टोंटां पैंदियां ने गच्चियां। अच्छा अच्छा। मुड़ के फिर ओह अंदर रेड़ियां दे नाल भरवा दिंदे ने, भराई करवा दिंदे ने। ਭਰਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੁਲਾਈ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਟ ਪੱਕ ਰਹੀ ਐ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਐ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਇਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਇਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਐ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਐ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐ, ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬੈਰੀਅਰ ਟੋਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ, 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਲੇਕ ਸਿਟੀ, ਬੈਰੀਅਰ ਟੋਨ, ਲਾਹੌਰ, ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੈਮਾਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ। ਜੀ ਆ ਭਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਆ ਗਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਕਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 45 ਦਾ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ 15,000 ਰੁਪਿਆ ਰੇਟ ਹੈ। अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो ईंटें तैयार हो गई हैं
ये कैसी होती हैं, किस कलर में होती है उनका, और तैयारी के बाद ये कहाँ रखी जाती हैं, सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये कुछ इनमें से टूट भी जाती हैं बनाई के दौरान। ये अच्छा, ये जड़ी टूट जाती हैं, इनका की करते हो, फिर रिसाइकल होती हैं दोबारा जाती हैं? फिर सेल होती हैं। अच्छा, ये टूटी हुई सेल होती है? छोटी रोड़ी हो के फिर जो बिल्डिंग बनदियां ने थले कच्चा नहीं करदे फर्श, ये उत्थे काम आंदा। अच्छा, भराई वराई वास्ते जड़ा, हां थले जड़ा तुसी फर्श अपना कच्चा कर दियो, इस टाइम इट अपनी सारी पक चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार इस टाइम। ये सेल होंदी है, आज छुट्टी है जुमा, ते अपना कल तो वर्किंग डे से स्टार्ट हो रही है, जांदी है 12 निकासी है, सही हो गया, ये पक्की हुई है टेप, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार, जबरदस्त जबरदस्त। AK1 की ये नाम कंपनी दा? ये नाम है जी, ए तो अबरार, के तो कमास, 1 तो 1 पठा, जब तो दूसरा लावांगे तो AK2 हो जाएगा इंशाल्लाह, दूसरे का भी प्लान है। जी जी, पूरा प्लान है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तैयार हो रही है जी, जी तैयार हो रही है, हैंडमेड तैयार हो रही है जी, इसमें तैयार करने वास्ते जी जी, चलो ट्यूबवेल की तरफ से मिठू, पट्टे के साथ ही जो है ना एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, ट्यूबवेल आपको दिखाते हैं, तो आइए चलें। ये देखें जी, आगे से आप दिखाओ ना जरा, ये पानी है, ठंडा ठंडा पानी उस वक्त खूबसूरत पानी है, पानी की लहर देखें आप भाई, ये देखें जी, ये ठंडा ठंडा पानी और साफ पानी बिल्कुल ट्यूबवेल का, और ये सारा जो है ना फसलों को भी लगाया जाता है, गड्ढे के भी इस्तेमाल में ये काम आता है ये पानी, और बहुत मजे का है, बच्चे अभी नहा रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, अभी टाइम ऐसा है अभी हम नहा नहीं सकते, नहीं तो मेरे भी बड़ा दिल चाह रहा था कि ट्यूबवेल में जाओ और जाके नहाओ, इसमें नहाने का मजा ही कुछ और है। तो अबरार साहब से जो है इनका एड्रेस पूछ लेते हैं गांव का, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, जिन व्यूवर्स ने इनसे ऑनलाइन रब्ता करना है तो वो इन तीन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हाँ जी चौधरी साहब, कुछ थोड़ा जरा दस एड्रेस है तेरा? इतने का एड्रेस है जी अपना नियर सुंदर अड्डा गाँव कमास, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दे, कॉन्टैक्ट नंबर है 0345-1479-917 अबरार गुजर। जजाकअल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप कराची से आए हैं लाहौर व्लॉग के लिए स्पेशल, तो आपको सबको जो मेरे भी अपना इस टाइम बहन भाई या बुजुर्ग देख रहे हैं वो सब आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे, और इससे आपकी हौसला अफजाई भी होगी,
और सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, अगर करें, अगर ना भी करें तब भी शुक्रिया, थैंक यू सर। चौधरी अबरार साहब जा रहे हैं घोड़े थे अपने, जबरदस्त जी, जबरदस्त बेहतरीन हो गया जी। है देखो जी, ये होंदी है जी रियल हॉर्स राइडिंग, ये तुसी देखी है, कवरेज नहीं कर सका। और आप मेरे पीछे देख रहे हो कितना खूबसूरत मंजर है, सूरज ग्रूब हो रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और बहुत सारी चीजें थी कवर करने के लिए, लेकिन टाइम की शॉर्टेज थी, हमें जाना भी था, तो लिहाजा वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल डेविड शहजाद को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।